जी तो भाई हमारा खाना आ चुका है। किंजा ने ऑर्डर किया था चिकन स्टेक और जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरामिश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। लास्ट व्लॉग में आपने देखा भाई, हम ऑकलैंड जू घूमने के लिए आए थे। पीछे आप जू देख सकते हैं और जू का व्लॉग पर जिस तरह से आपने प्यार दिया, अभी से मैं कह रहा हूँ थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये व्लॉग भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो भाई हम तकरीबन 3 घंटे से चल रहे हैं मुसलसल, इतना बड़ा जू था। जू वाला व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, लाजमी जाके देखो, बहुत मज़े का व्लॉग बना है। अभी क्या करते हैं, अभी हमने शूज़ चेंज करते हैं, पाँव गर्म हो रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जकड़े हुए हैं। तो मैं जूते लेके आया था, स्लीपर। सही है भाई, पूरी इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए। नहीं, तुम्हारे लिए भी लाया हूँ स्लीपर। ये देखो, ये जो बेगमात होती है ना, ये इसी तरह है, शक करती हैं। मैं 2 लाया हूँ, एक किंजा के लिए, एक अपने लिए। फिर भी ना तुम्हें, बस छोड़ो अब, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भाई सबसे पहले हम शूज चेंज करते हैं और स्लीपर पहनते हैं, अगली बातें फिर। ओफ, सॉक्स भी फटी हुई हैं भाई हमारी तो। मुझे पता था, मैं इसलिए तैयारी करके आया था, मानती हो कि नहीं? फिर मैं ये पहनूंगी, मैं दूसरी नहीं पहन रही। आपने सॉक्स उतारी हैं तो दो लेने, एक मेरे वाले पहन लो, एक नए ले लो। अच्छा, मैंने आपकी चप्पल पहन लिया है, ये चलो चलो डालो, हमने कब लिए उम्रे पे जाते हुए। I remember everything, baby. इसलिए फिर मैंने ना इनको, मैंने कहा कि इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छी जगह की। उसका सही से नहीं किया तुमने, उसको पीछे होना चाहिए था ना। नहीं नहीं, इसकी ये शो ना, ये चीज़ ना हटो। ये भाई हमने कार सीट नहीं लिया तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रही है इसको। ये वो मुझे पता ही नहीं लग रही थी, इसमें घुमाती है ना, नीचे से घुमाओ। मैं करती हूं इसको, ऐसे होना चाहिए यहाँ पे। तो भाई इतनी महंगी कार सीट ली $350 की, तो अभी तक यही नहीं समझ लग रही कि इसको एडजस्ट कैसे करना है। इसको ना कोई वीडियो शीडियो देख के ना प्रॉपर इसको समझो, ताकि हमें पता हो। तो भाई हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं यहां पे एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के बारे में, बायनोमो ट्रेडिंग ऐप। इंतहाई रिलायबल ट्रेडिंग ऐप है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा ये एप्पल स्टोर, इसके अलावा प्ले स्टोर और इसका डेस्कटॉप वर्जन भी अवेलेबल है। तो आपने करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके बायनोमो ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको ट्रेड करके भी दिखाता हूँ कि आप इस पर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के एक्सपेंसिस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। तो भाई जैसे ही आप बायनोमो ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करते हैं, आपको मिलता है आपका डेमो अकाउंट, जिसमें आपको मिलते हैं $10,000, वो भी ट्रेडिंग सीखने के लिए। तो भाई मैं आपको हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग सीखे बगैर कभी भी अपने रियल अकाउंट में ट्रेड ना करें, क्योंकि पहले डेमो अकाउंट में आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। मैं अपने रियल अकाउंट में शिफ्ट कर लेता हूँ, आप मेरे रियल अकाउंट का बैलेंस भी देख सकते हैं। और भाई यहाँ पर आपने बेसिकली ग्राफ को प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन। अगर ग्राफ अप जाएगा तो आपने ग्रीन बटन पर प्रेस करना होता है, और अगर डाउन जाएगा तो रेड बटन पर प्रेस करना होता है। आज हम 10,000 की ट्रेड लेते हैं और यहाँ से जो है मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, बेसिकली आपने प्रिडिक्ट करना होता है। तो अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद भाई हम आज की जो है वो ट्रेड लेंगे, और मुझे जो ग्राफ का ट्रेंड लग रहा है वो अपवर्ड लग रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 10,000 सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ग्रीन बटन को प्रेस कर देता हूँ। और अब वेट करते हैं अपनी ट्रेड के सक्सेसफुल होने का। तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं, देखते ही देखते हमारी ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी है और हमें 18,200 रुपये का
प्रॉफिट भी हो चुका है। अब चलते हैं इसके मजीद ऑप्शंस की तरफ। अगर आप एजुकेशन में जाते हैं तो आपको मिलता है व्हाट ट्रेडिंग इज, हाउ टू ट्रेड ऑन बायनोमो, हाउ टू मेक अ डिपॉजिट, हाउ टू विदड्रॉ फंड्स, वेलकम टू बायनोमो प्लेटफॉर्म, सिंपल स्टेप्स टू स्टार्ट। सिंपल स्टेप हैं जिनको आप पढ़ के, एजुकेशन ले के, वीडियोज़ देख के यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रेटजीज वाले सेक्शन में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज मिलती हैं, जिनमें से है द एल्डर ट्रिपल स्क्रीन स्ट्रेटजी है, इसके अलावा पाथ फाइंडर स्ट्रेटजी है, और इसके अलावा मार्केट कन्वर्जन डिवर्जन स्ट्रेटजी है, ट्रेडिंग ऑन फिबोनाची लेवल्स है, और इसके अलावा पूरिया मेथड इंडिकेटिव स्ट्रेटजी भी आपको यहां पे मिल जाती है। तो भाई फिर देर किस बात की है, अभी बायनोमो ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करें और मेरा प्रोमो कोड बाबा फन यूज करें और पहले डिपॉजिट पे पाएं 50% बोनस। तो भाई अभी हम आ चुके हैं किन्जा की सबसे फेवरेट प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे किन्जा की सबसे जो फेवरेट आइसक्रीम है, जो किन्जा को पसंद है, वो मिलती है। वो भी आपको दिखाएंगे कौन सी आइसक्रीम है, और अभी आपको थोड़ी सी जगह विजिट करवाते हैं भाई यहाँ की जगह। सबसे पहले तो आप देखें कितनी VIP जगह बनी हुई है यहाँ पे लेटने के लिए। आप यहाँ पे आके लेट सकते हो, पूरा इंजॉय कर सकते हो, बैठना चाहो इस तरह से, पूरा देखें पूरा बेड सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। चेक करें मॉल सारे बने हुए हैं, तो जैसे जैसे शाम होती रहेगी तो लोगों का रश यहाँ पर बढ़ता रहेगा सलार के खाने के। हम तो खाते रहेंगे, अब सलार को मील देना, कैसे देख रहा है मुँह गंदा करके। देते हैं आपको देते हैं, मुंह में पानी आ रहा है। देते हैं आपको, देते हैं आपके लिए लाए हैं। हाँ मजेदार। तो भाई यहाँ पे अब जो है ब्रिज जो है वो ओपन हो रहा है, तो वो मनाजिर भी मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, साइड से जाके दिखाता हूँ आपको। बड़े मज़े का ये माहौल होता है यहाँ पे, ये देखें शाम के टाइम ये ब्रिज जो है वो ओपन कर दिया जाता है पब्लिक के लिए, वैसे दिन में ये बंद रहता है। चेक करें आप, और ये जी ब्रिज हो गया ओपन। हल्की हल्की सर्दी भी हो गई है, तो हमने अपना ये मालूमता साथ रखा हुआ था, ये हमने अपर पहन लिया, किन्जा ने भी पहन लिया, और सलार को सलार की जैकेट हमने पहना दी है। वाह भाई वाह, ब्लैक ब्लैक जैकेटें शॉक्स, कमाल हो गया। पारा लग रही है तो। हाय ऑडियंस को हाय कर दो, हाय हाय। पहले इन्होंने ब्रिज खोला, पहले मतलब पता नहीं खोला क्या कहेंगे उसको, बंद किया। बंद किया नहीं, पहले जो भी किया यार, अब बोट के लिए दोबारा इन्होंने क्या कहेंगे इसको बहरहाल इस पुर्जे के लिए इन्होंने दोबारा जो है ना इसको खोल दिया। इन जनाब साहब ने आना था तो इनके लिए दोबारा, हाँ दोबारा इन्होंने ब्रिज जो है वो ओपन कर दिया। Bridge now, bridge open for boat, not for peoples. मतलब जो चलने पैदल चलने वाले हैं उनके लिए बंद कर दिया, और जो पोर्ट्स हैं उनके लिए ओपन कर दिया, वो भी आ रही है ना। ओके ये बंदा भाई अंदर, मैं समझ लग गया ये बंदा अंदर बैठ। तो भाई जैसे ही ब्रिज ओपन हुआ है, इस साइड से जाने वाले लोगों का रश भी आप देखें, उस साइड से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। चलें तो भाई अब हम भी इस ब्रिज से वॉक करते हुए एक साइड से सिटी की, एक साइड से सिटी की दूसरी साइड की तरफ हम जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही ब्रिज ओपन हुआ लोग वेट कर रहे थे, तो लोगों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत जगह है, पीसफुल, और आपने अगर ऑकलैंड की रौनक को इन्जॉय करना है तो फिर ये एरिया CBD बनता है ना, तो ये एरिया बनता है भाई। फिर लास्ट टाइम हमने इवेंट मिस कर दिया था, अभी तक तो हो रहा है फिलहाल। Thank you.
जी तो भाई यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत घूम फिर लिया, हमें नहीं पता था यहाँ पे कोई इवेंट वगैरह हो रहा है, तो हम आए तो वहाँ पे बड़ी बड़ा म्यूज़िक शूजिक चल रहा था, तो वहाँ पे सलार ने काफ़ी इन्जॉय किया। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, हमने एक स्पॉट डिस्कवर किया है बड़ा बेहतरीन सा, टर्किश है। मैंने देख लें, इज्जत देख लें एज अ ड्राइवर, अब आप खुद देख लें बस। ठीक है ठीक है यार, ठीक है चलो जी, अब हम वहाँ चलते हैं और वहाँ पे जाके कुछ स्पेशल सा कुछ ऑर्डर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि भाई आज हम क्या खाने वाले हैं। ये व्लॉग पता नहीं मैंने बनाना किस टॉपिक पे था, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऑकलैंड की नाइट लाइफ पे बनने वाला है व्लॉग। ऑकलैंड नाइट लाइफ विद फैमिली, छड़े छांट नहीं वो वाला नहीं बना रहा मैं, फैमिली वाला बना रहा हूँ, फैमिली वाला। ओके तो भाई ये जिस एरिया में हम आए हुए हैं यहाँ पे बेतहाशा बार और रेस्टोरेंट भी हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें तहजीब वाली हैं ज़्यादातर। हाँ। मतलब अगर लोग ड्रिंक कर भी रहे हैं तो वो अपने एक सर्कल के अंदर कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करते बहुत ज़्यादा। ये मेरी फेवरेट आइसक्रीम, अभी नहीं बतानी जब खाने आओगे तब। ओके। तो काफ़ी काम और चिल माहौल है यहाँ पे, एक साइड पे रेस्टोरेंट और कैफेज़ वगैरह हैं ओपन कैफ़े, और एक साइड पे आपको मिल जाता है खूबसूरत सा सी व्यू। कैसा? बहुत प्यारा। जी तो भाई हम खाना खाने पहुंच चुके हैं और जिस रेस्टोरेंट पे हम आए हैं, रेस्टोरेंट ही कहेंगे इसको या छोटी सी शॉप आप इसको कह सकते हैं, और इसका नाम है सिलाइन है, एग्जैक्ट क्या है किंजा से पूछते हैं। और ये सामने इनका मेन्यू है, मेन्यू भी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। और ये बिल्कुल भाई स्काई टावर की छतर छाया में, स्काई टावर के बिल्कुल नीचे बिल्कुल साथ ही है, और बहुत मज़े का इनका शॉर्मा खाना, इनके कबाब बहुत मज़े के हैं। किंजा इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? सिलीन मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट। ओके। और ये रहा भाई इनका मेन्यू, और यहाँ पे रश का ये आलम होता है कि इनके पास टाइम ही नहीं है टेबल क्लियर करने के लिए, तो ये सब चीज़ें भाई यहाँ पे होती हैं, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ऑर्डर दे दिया तुमने? ऑर्डर आएगा तो फिर देखते हैं क्या क्या है। क्या हुआ? क्या हुआ शोने? ये बड़ा क्यूट सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, जिस तरह आप चले जाएं ना अंदरून लाहौर में चले जाएं, पुराने सा कोई ढाबा टाइप निकालें उस तरह का बना हुआ है, क्योंकि ये एग्जैक्ट सीबीडी में बिल्कुल शहर के अंदर है दिल में, तो यहाँ इस तरह की जगहों को रेनोवेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, और क्योंकि इतनी ये कंजस्टेड जगह पर होती हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत पुरानी आई थिंक बिल्डिंग बनी हुई है, ऊपर भी इसका सिटिंग एरिया है, और वो प्रॉपर आप समझ लिया तो बंदे को लगता है कि इस्तांबुल की गलियों में बंदा पहुंच गया है या फिर अंदरून लाहौर में कहीं बंदा चला गया। जी तो भाई हमारा खाना आ चुका है, किंजा ने ऑर्डर किया था चिकन स्टेक और सैलेड एंड राइस एंड एग एंड राइस। वाह वाह, बहुत खूबसूरत प्लेट बनी हुई है। और मैंने किया था लैम शवरमा, मेरा शवरमा आ चुका है और किंजा का आ चुका है स्टेक। जी तो भाई खाना हमने खा लिया है और माशाल्लाह बहुत मज़ा आया खाना खाने का, है ना, रूह में उतरा, भूख भी बहुत लगी हुई थी। और सबसे बेस्ट बात इनकी ना, इनके मसाले बहुत तेज़ होते हैं ना, इन्होंने भूने हुए खाने होते हैं वो, और पोर्शन बड़ा होता है, बहुत मैसेज। आपने क्या खाया है इसको? ना सुबह जीपी को चेक करवाओ, इसकी ना आंखों में से पानी आ रहा है। तो भाई निकलते हैं, ये था रेस्टोरेंट, खाना हो गया, अब चलते हैं किंजा की फेवरेट आइसक्रीम खाने अगेन। इसको रख देते हैं भाई अंदर। तो जी यहाँ पे हम आए हैं आइसक्रीम लेने के लिए, जेलाटियामो। तो जी लास्ट टाइम मैं इधर आई थी और बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम्स थी इनके पास। ये सारी आई थिंक ये वीगन है, डेरी फ्री है, और ये आइसक्रीम की जिलाटो की है। तो जी मैंने एक चूज की है ये फ्रेंच वनीला, और सेकंड मैंने चूज की है डार्क चॉकलेट, और यहाँ पे ये कपकेक्स और नॉट कपकेक्स एक्चुअली डिफरेंट तरह के डिजर्ट्स भी इधर पड़े हुए हैं।
ये उनकी टॉपिंग्स हैं, अगर आप टॉपिंग्स डलवाना चाहते हैं तो आप टॉपिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। जी तो मैंने दो आइसक्रीम्स तो ले ली हैं, अब रामी से मुझे पड़ेगी डांट क्योंकि दो क्यों ले लिया मैंने। दो लिए ये आपके लिए वनीला ली ना, क्योंकि आपको लास्ट टाइम वो बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा तो मैं एक ही लोगी बस। नहीं आपको लग रहा है कभी मुझे आइसक्रीम के लिए भेजोगे, मैं एक ही लेके आऊंगी। नाइस, आ जाओ। सो गुड, कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, कमाल है, ये मजेदार यार। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे। अगर आपको हमारे क्यूट क्यूट से फैमिली व्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपको न्यूजीलैंड के बारे से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की ID आपके सामने चल रही है, रामेश रिजवान CH। और इसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा या आपको आंसर कर दूँ या उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँ। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।